डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर निबंध। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर एक संक्षिप्त निबंध प्रस्तुत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और शिक्षाविद। एक जीवन परिचय। जन्म 5 सितंबर 1888 तमिलनाडु, मृत्यु 17 अप्रैल 1975 मद्रास चेन्नई। दो शिक्षा और करियर। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उच्च शिक्षा, मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के प्रोफेसर। तीन राजनीतिक करियर। भारत के पहले उपराष्ट्रपति 1952 to 1962, भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962 to 1967। चार दार्शनिक योगदान। पूर्व और पश्चिम के दर्शन के बीच सेतु बनाने का प्रयास। अद्वैत वेदांत के व्याख्या और प्रचार। धर्म और विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास। पांच प्रमुख कृतियां। इंडियन फिलोसफी, दो खंड, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। छः सम्मान और पुरस्कार। 1954 में भारत रत्न, 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर्स ऑफ मेरिट। सात शिक्षक दिवस। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन और कार्य आज भी प्रेरित का स्रोत है।